तेलुगु और बॉलीवुड एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा जो अपने कैरियर में इतना सक्सेसफुल नहीं रही, बट इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार काम पर काम करती गई। ये एड्स मैं आपको दिखाई दी होंगी। और अब वो कलर्स टीवी के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस सीजन 17 में एज ए कंटेस्टेंट भी आ चुकी है। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा की कजिन की लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मनारा चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कजिन है। और अगर आप मनारा चोपड़ा के फैन हो तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। मनारा चोपड़ा का निकनेम है बार्बी हैंडा। इनका जन्म 25 मई 1991 को अंबाला कैंटोनमेंट हरियाणा इंडिया में हुआ और 2023 के हिसाब से इनकी उम्र है 33 साल। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई समर फील्ड स्कूल न्यू दिल्ली से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA किया हुआ है और साथ ही इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है। प्रोफेशन से ये एक एक्ट्रेस और मॉडल है। करियर, दिल्ली में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मनारा मुंबई चली गई, जहां इन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया और एड्स में चली गईं। इन्होंने लगभग 40 एड्स किए हैं, सलमान खान के साथ सुजुकी, फरहान अख्तर के साथ डिलक्स पेंट, डायरेक्टर इम्तियाज अली के साथ पार्ले मेरी एंड गाना.com के भी एड्स किए। इन्होंने बताया कि डाबर आंवला हेयर ऑयल ने उन्हें तुरंत ही पहचान दिलाई और उन्हें तेलुगु मूवी में काम करने का ऑफर मिला। वे अमित त्रिवेदी के सॉन्ग बस बजना चाहिए गाना की थीम सॉन्ग में दिखाई दी थी। मूवीज की शुरुआत करने से पहले उन्होंने एक फैशन डिजाइनर और एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में भी काम किया। मनारा कथक डांस में ट्रेन थी और हिप हॉप पहली डांस और बॉलीवुड डांस के लिए परिचित थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम तेलुगु मूवी में डेब्यू किया था प्रेमा की माँ जनता नाई से, जो कि 2014 में आई थी, जिसमें इनका कैरेक्टर काबरी था। उसी साल में इनकी बॉलीवुड मूवी आई जिद, जो कि इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, जिसमें इनका कैरेक्टर माया का था, बट लोग आज इनको जिद मूवी के नाम से जानते हैं। उसके दो साल बाद उन्होंने तेलुगु मूवी में काम किया जिसका नाम था जखाना, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसी साल उन्होंने टीका मूवी में भी काम किया। उसके एक साल बाद इनकी मूवी आई रॉग, जो कि कन्नड़ और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में थी। इस मूवी पे अच्छे रिव्यू आए थे और 2019 में इन्होंने तेलुगु मूवी सीता में काम किया और मूवीज के अलावा इन्होंने वेब सीरीज में भी काम किया है। इनकी फर्स्ट डेब्यू वेब सीरीज का नाम है हाले दिल ऑन ब्रोकन नोट्स, जो कि 2021 में आई थी। उसी के साथ इन्होंने गजेंद्र वर्मा की म्यूजिक वीडियो ना होना तुमसे दूर में भी काम किया। और अब साल 2023 में कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस सीजन 17 का भी हिस्सा है। देखते हैं मनारा यहाँ पर क्या करती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको मनारा का प्रदर्शन घर के अंदर कैसा लग रहा है। अवार्ड्स, इनको लॉयन गोल्ड अवार्ड मिला है बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस के लिए इनकी मूवी जिद के लिए, जो कि 2015 में आई। साथ ही साथ 2017 में 15th संतोषम फिल्म अवार्ड दिया गया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनकी मूवीज टीका के लिए। साथ ही साथ इनको 16th संतोषम फिल्म अवार्ड भी दिया गया स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। फैमिली, इनके पिता लॉयर हैं और इनकी माँ की पिक्चर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और प्रोफेशन से ये एक ज्वेलरी डिजाइनर है। इनकी सिस्टर का नाम है मिताली, जो प्रोफेशन से एक फैशन स्टाइलिस्ट है। इनकी कजन सिस्टर का नाम है परिणीति चोपड़ा एंड प्रियंका चोपड़ा, जो बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मनारा चोपड़ा अनमैरिड है। इनकम, ये लगभग 3 करोड़ रुपए पर मूवी चार्ज करती हैं। साथ ही साथ ब्रांड एंडोर्समेंट एंड एड्स से लाखों रुपए कमा लेती हैं। नेटवर्थ, हम आपको बता दें कि इनकी टोटल नेटवर्थ है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। हाउस, ये अपनी फैमिली के साथ अंबाला हरियाणा में रहती हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। कार कलेक्शन, इनके पास सिर्फ एक ही कार है और वो है ऑडी A4, जिसकी प्राइस है 70 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी मनारा चोपड़ा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको मनारा घर के अंदर कैसी दिख रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप मनारा को सपोर्ट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और साथ ही हमें कमेंट्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से बिग बॉस कंटेस्टेंट पर देखना चाहते हो।